पर आप सोचो आपको हार का डर सता रहा होगा कि हम इसे पार नहीं पड़ पाएंगे, हमारे पास समर्थन नहीं है, तो आप कुछ फर्जी नाम लिख लिए। आज 1 सितंबर रविवार को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ महासंघ जिला शाखा अजमेर के जो चुनाव थे, जिला अध्यक्ष के तौर पर वर्तमान में आज दिनांक तक मैं ही जिला अध्यक्ष हूँ, तो मेरा ही दायित्व था कि मैं उसकी चुनाव की घोषणा करूँ, तारीख, जगह और वोटर लिस्ट तय करना, निर्वाचन अधिकारी तय करना, ये मेरी जिम्मेदारी थी। इस जिम्मेदारी को निभाते हुए मैंने आज 1 तारीख जो 1 सितंबर तय की थी, उस तिथि को अखिल राजस्थान राज्य जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ है इसमें करीबन है 30 संगठन हैं। इस 30 संगठन में से 22 संगठनों ने आके अपनी सहमति दी और वहाँ निर्विरोध निर्वाचन किया और निर्विरोध निर्वाचन के रूप में मुझे उन्होंने दोबारा अध्यक्ष चुना है। अब जो कुछ पद लोलुप मान लें, स्वार्थी लोग, जो संगठन तोड़ने की जो सोच रखने वाले लोग थे, तो अब मैं नाम तो क्या लूँ, उनका व्यक्ति विशेष लोग है जो वो आपको भी वाइट देंगे, वो कल आपके सामने भी अपना पक्ष रखेंगे। पर मेरा ये कहना है कि जब जिलाध्यक्ष, अगर मैं जिलाध्यक्ष नहीं होता नहीं वर्तमान में, तो चुनाव प्रदेश कार्यकारिणी करती, पर जब तक अगर आप जिलाध्यक्ष कार्यरत है आपका, तो पूरा दायित्व विधान में लिखा हुआ कि जिलाध्यक्ष के द्वारा ही वो चुनाव होगा और वही तारीख तय करेगा और वो जगह तय करेगा और निर्वाचन अधिकारी तय करेगा। उन नियमों का पालन करते हुए मैंने लोकतांत्रिक तरीके प्रक्रिया अपनाते हुए आज चुनाव करवाए, जिसमें निर्विरोध रूप से मुझे दोबारा अध्यक्ष चुना गया है। अब एक गुट विशेष है जो 8-10 संगठनों को भ्रमित करके, जबकि उन संगठनों का ऐसा नहीं है कि वो कोई मेरे विरोध में या किसी के पक्ष में, अब वो डबल उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी करके न्यूज़ में लोगों को भड़काने के लिए जो भ्रम फैलाया, उसमें से कुछ 7-8 संगठन दूसरी जगह जाके वो निर्वाचन करा रहे जो किसी भी रूप में मान्य नहीं है। मैं उसको खारिज करता हूँ, मैं मेरे लेटर पैड पे इस निर्वाचन को निरस्त करूँगा और जो 22 संगठनों ने सहमति दी है उसका मैं मीडिया के माध्यम से प्रदेश कार्यकारिणी को भी अवगत करूँगा कि ऐसे संगठन विरोधी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें या तो वो संगठन के साथ रहें, क्योंकि हमारे इस फूट का, इस कमजोरी का फायदा सरकारें उठाती है। आज हम कर्मचारी पीड़ित हो रहे हैं तो इसलिए हो रहे हैं कि कुछ स्वार्थी लोग हैं जो सिर्फ पद के लिए आगे आना चाहते हैं, बाकी वो संगठन हित में काम नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ अपना नाम चमकाने के लिए। ऐसे नाम चमकाने वाले लोगों को मैं विरोध करता हूं और उनको मैं अमान्य करता हूं। विनोद रत्नू, जिलाध्यक्ष संयुक्त कर्मचारी महासंघ अजमेर। जो आपका संगठन का नाम है उसका यूज वो दूसरा संगठन भी कर रहा है जी, तो अब किसकी मान्यता रहेगी? जो जिलाध्यक्ष है वर्तमान में, मैंने आपको अभी बाइट के माध्यम से मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि जिलाध्यक्ष रहते हुए सारा दायित्व मेरा है कि मैं ही तारीख तय करूँ, मैं ही निर्वाचन अधिकारी तय करूँ। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, अगर आपको चुनाव लड़ना है मान्यता जो जिलाध्यक्ष ने तय किया उसकी रहेगी। बिल्कुल भाई, दूसरे संगठन को नहीं माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं माना जाएगा, क्योंकि जिलाध्यक्ष उनके पास है ही नहीं। अब वो मनमर्जी से चुनाव कराना चाह रहे हैं कि भी जो अपना आदमी थोपना चाहते हैं कि भी हमारा आदमी अध्यक्ष बने, लॉबिंग नहीं चलेगी यहाँ पे, किसी की मोनोपोली नहीं चलेगी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, आओ चुनाव लड़ो ना, जिसके पास बहुमत है वो जीत जाएगा। पर आप सोचो आपको हार का डर सता रहा होगा कि हम इसे पार नहीं पड़ पाएंगे, हमारे पास समर्थन नहीं है, तो आप कुछ फर्जी नाम लिख लिए, ऐसे संगठन को भगला लिया कि नहीं साहब हमने तो उसको निष्कासित कर दिया। आप होते कौन निष्कासित करने वाले? निष्कासित का कोई प्रक्रिया होती है? ऐसे तो लेटर पेड में किसी का ही जारी कर दूँ कि उस संगठन को मैंने बाहर कर दिया। एक विधान होता है, एक प्रक्रिया होती है, बहुमत से निर्णय लिया जाता है, महासमिति में निर्णय लिया जाता है। अब बस रातों रात आपने एक लेटर पैड आपका, मैं आज मेरे महासंघ का लेटर पैड है, मैं उसका मिसयूज करूंगा तो ये कर्मचारी हित में तो कहीं नहीं ना। अगर आपको मेरे से दिक्कत है, मेरे नेतृत्व में कहीं कमी है, आप मेरे से सवाल उठा सकते हो। आपको चुनाव लड़ना है, आप ये मैदान खुला है ना, आप क्या कार्रवाई? मैंने तो कार्रवाई जो मेरे तो दायित्व था मैंने निभाते हुए चुनाव करवा दिया, निर्विरोध निर्वाचन करा के। अब ये दूसरा गुट है इसके मैं अमान्य कर दूंगा? बाकी तो क्या है कि ये कोई कोर्ट, ये तो कोई अधिकारी पना तो है नहीं कि मैं किसी को कोई नोटिस जारी करूँगा, बस ये है कि उसको अमान्य कर सकते हैं। बाकी तो अब लोकतंत्र है, स्वतंत्र है कि मैं आपकी अगर बात नहीं, बिल्कुल करूँगा मैं इनको, इसके इस चुनाव को अमान्य करूँगा और इनको हिदायत दूंगा कि आप इस तरीके से संगठन विरोधी गतिविधियाँ नहीं करें, और नहीं मानेंगे तो मैं महासंघ को आगे अवगत करा दूंगा कि ऐसे लोगों को संगठन से बाहर करा जाए। आज महासंघ में जिले के लिए सिर्फ एक अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है, फिर जिलाध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद वो संपूर्ण कार्यकारिणी मनोनीत करता है। विनोद रत्नू, जिलाध्यक्ष संयुक्त कर्मचारी महासंघ अजमेर।